हाय दोस्तों, संडे किचन हैशटैग हीर में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गोभी और आलू मटर का सब्जी, पचफोरन डाल के वो भी सरसों का मसाला देंगे। तो हम यहाँ पे गोभी, आलू को और मटर को हम पहले अच्छे से चॉप कर लेते हैं। मटर निकाल लेते हैं, आलू गोभी को चॉप कर लिए, ये देखिए और अच्छे से इसको वॉश भी कर लिए हैं। ये देखिए, ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, ऐसे लंबा लंबा आलू आप चॉप कर लीजिए और गोभी का वो अच्छे से, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा ही रखना है, मीडियम में रखना है। और यहाँ पे हम मटर निकाल लिए हैं और दो टमाटर हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम एक टमाटर हम चॉप किए हैं, और यहाँ पे धनिया पत्ता और तीन हरी मिर्च, इसको हम हरी मिर्च को पचफोरन में डालेंगे। और एक टमाटर का हम पेस्ट बना रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे एक टमाटर है, दो छोटा प्याज है और एक लहसुन है। और यहाँ पे हम सरसों यूज़ कर रहे हैं, तो हम 1 टेस्पून हम सरसों ऐड करेंगे। आप अपने सब्जी के हिसाब से, थोड़ा सा ही आप जितना सब्जी बना रहे हैं उसके हिसाब से आप सरसों ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे 1 चम्मच सरसों लिए हैं। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा पेस्ट आपको मोटा भी नहीं रखना है, एकदम थोड़ा सा पतला में आप पेस्ट बनाइएगा। ये देखिए, हम यहाँ पे पेस्ट बना लिए। अब हम क्या करेंगे, एक बाटी में इसको निकालेंगे। अब हम इसमें जो मेरा मसाला है हम उसको ऐड करके 5 मिनट के लिए हम रख देंगे। अब हम इसमें 1 टेस्पून धनिया ऐड किए हैं, 1 टेस्पून जीरा पाउडर ऐड किए हैं और 1 टेस्पून गोलमरीच पाउडर। यहाँ पे 1 टेस्पून हम हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं और 1 टेस्पून हम तीखा मिर्ची ऐड कर रहे हैं पाउडर। अब हम क्या करेंगे कि इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम सरसों तेल ऐड किए हैं। अब हम इसमें गोभी को फ्राई करके निकाल लेंगे। पहले आप गोभी को फ्राई करके ही निकाल लीजिएगा। ये देखिए, हम गोभी को फ्राई करके पहले फ्राई कर लेंगे इसको, थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक आप फ्राई कीजिएगा। हाँ, तेल गरम होना चाहिए, अब ठंडा तेल में आप गोभी ऐड नहीं कीजिएगा। ये देखिए, ऐसा गोभी फ्राई करके निकाल लेना है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, पचफोरन ऐड करेंगे। हम यहाँ पे पचफोरन लिए हैं और मिर्ची को 2 टुकड़ों में काट दिए हैं, ये देखिए चॉप कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप पचफोरन डाल के छोड़िएगा नहीं, 1 सेकेंड में ही आप उसमें मसाला ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो पचफोरन अगर जल जाने से ना सब्जी का स्वाद ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए जब पचफोरन आप डालें उसी टाइम आप मसाला भी ऐड कर दीजिएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, वो मटर हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, धीमे आंच पे हम मटर को और मसाला को दोनों को हम भुनेंगे, क्योंकि जो मटर का कच्चापन है वो चला जाए। ये देखिए, जब तक ले तेल ना छोड़ दे, और हम चलाते रहेंगे कि मेरा मसाला नीचे से जले नहीं। ये देखिए, आंच आप धीमा कर दीजिएगा। जो टमाटर का पेस्ट हम डाले थे और मिर्ची का पेस्ट, उसमें से ही पानी छोड़ता है, इसलिए हम अभी इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा देर के लिए ढक देंगे। देखिए, कम आंच पे ही हम अभी मसाला को फ्राई कर रहे हैं और इसको हम ढक दिए थे, कम से कम 2 मिनट के लिए ढक दिए थे, कम मीडियम आंच पे ही। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे, हल्का सा पानी ऐड करेंगे कि ये जले नहीं। और उसके बाद हम इसमें सब सब्जी ऐड कर देंगे, आलू गोभी ऐड कर देंगे। ये देखिए, आलू को भी ऐड कर दिया। अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा कि जले नहीं। और आपको क्या करना है, इसको भूनना है, अच्छे से भूनना है, ये मसाला जले नहीं। आप कम मीडियम आंच पे, चाहे आपको जल्दी है तो थोड़ा सा आप मीडियम आंच पे ही बनाइएगा, ज़्यादा आंच नहीं दीजिएगा, नहीं तो जल जाएगा। आप इसको 5 मिनट के लिए ढक दें, फिर उसके बाद आप टमाटर ऐड कर दें। यहाँ पे जो हम एक टमाटर पेस्ट बनाए थे उसको ऐड कर दिए थे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे।
अब हम इसमें क्या करेंगे कि मेरा देखेंगे कि आलू कट हो जा रहा है, तब हम इसमें, आप अगर ग्रेवी खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, अगर ग्रेवी नहीं खाना चाहते तो आप ऐसे ही भुना हुआ खाइए सब्जी रोटी के साथ। तो हम इसमें थोड़ा सा ग्रेवी ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा पानी ऐड किए और हमको थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए, नहीं ज़्यादा पतला ग्रेवी हमको भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही ग्रेवी चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा पानी ऐड किए। अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड करके, ये देखिए मेरा सब्जी हो गया, हम गैस के फ्लेम बंद कर दे रहे हैं, धनिया पत्ता ऐड करके 5 मिनट 2 मिनट आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं, और मीडियम आँच कर दीजिएगा कि आलू भी अच्छे से सीध हो जाए। अब हम फ्लेम बंद कर दिए, ये देखिए मेरा सब्जी कितना अच्छा, और कितना अच्छा इसका कलर है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ये देखिए ना ज़्यादा ग्रेवी है और ना ज़्यादा इसमें सूखा हुआ है, एकदम मीडियम में हम रखें। आप रोटी जरे खाइए, पराठे जरे खाइए और चावल जरे भी खा सकते हैं, आप जैसे भी खाइए, इतना टेस्टी लगेगा, आप एक बार बना के इसे ट्राई कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, खुदा हाफिज़।